तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट पर। और भाई आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूँ जो हीरो सीपीएल टी20 लीग खेली जा रही है, यानी कि कैरेबियन प्रीमियर लीग जो खेली जा रही है। इसका भाई जो मॉर्निंग में पहला मैच खेला जाएगा, जो कि खेला जाएगा गुआना अमेजन वॉरियर्स वर्सेज जमाइका थलावाज के बीच में, तो ये मैच नंबर 25 रहेगा भाई इस टूर्नामेंट का। बात करें टाइमिंग की तो इंडियन टाइमिंग के हिसाब से मॉर्निंग में 4:30 पर मैच खेला जाएगा, जो कि भाई इंडियन टाइमिंग के हिसाब से काफी मॉर्निंग है। तो अगर आप मॉर्निंग में जल्दी उठ सकते हो तो भाई ये मैच आपके लिए बहुत बड़ा जैकपॉट साबित हो सकता है। तो इस मैच में आप अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। यहां पर अगर बात करें एक एक प्लेयर के बारे में आपको बताऊंगा कि कौन सा प्लेयर आपके लिए क्या कुछ कर सकता है, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज भाई, देखिए जो भी मेरी फाइनल टीम रहेगी ना वो आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। तो अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि बिना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए हुए विनिंग करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। पहले भाई रिजल्ट देखिएगा, उसके बाद ही ज्वाइन कीजिएगा। आज भाई T10 मैंने कवर किया एक तरफा विनिंग की, ठीक है। KCA T20 अल्ट्रा मेगा क्लीन स्वीप किया, जबकि हमने 10 प्लेयर खिलाए थे, 11th प्लेयर मैंने ऐसा लिया था जो खेल भी नहीं रहे थे, ठीक है, फिर भी अल्ट्रा क्लीन स्वीप। उससे पहले भाई जो पहला T10 था आज के दिन का अल्ट्रा क्लीन स्वीप, उससे पहले कबड्डी का मैच बेहतरीन गया। सारी चीजें आपके फेवर में जाने के बाद भी भाई मैं आपको विनिंग करवा रहा हूं, और इससे ज्यादा भाई आपको क्या ही चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूं, आप आइए पहले रिजल्ट देखिए, उसके बाद ही ज्वाइन होइएगा, ठीक है। अब अगर बात करें भाई मैच में पिच की, तो भाई पिच का रोल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा। यहां पर देखिए अभी जो पहला मैच खेला जा रहा है उसमें फर्स्ट इनिंग कंप्लीट हो गई है, 158 या 150 प्लस का टारगेट आप मान सकते हो कि टीम ने दिया है। एक बेहतरीन भाई यहां पर बैटिंग फ्रेंडली विकेट आपको देखने को मिल सकती है। अगर यहां पर भाई देखिए स्टार्टिंग के मैच है तो पिच स्लो तो नहीं होगी, तो यहाँ पर भाई स्पिनर को फर्स्ट इनिंग में इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं मिलेगी, हालांकि सेकंड इनिंग में बेहतरीन हेल्प मिलने के चांसेस रहेंगे। वहीं अगर बात करें भाई यहाँ पर पिच के बारे में इससे ज़्यादा, तो भाई बैट्समैन प्लस पेसर्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। और दूसरी बात, जो भी टीम पहली इनिंग में बॉलिंग करे उसके डेथ ओवर के गेंदबाज आपकी टीम में होने चाहिए। अब अगर भाई यहाँ पर बात करें सबसे पहले पॉइंट्स टेबल में, तो पॉइंट्स टेबल में देखते हैं कि भाई कौन सी टीम कहाँ पर स्टैंड कर रही है। गुआना अमेजन वॉरियर्स की बात करें तो 6 मैच में से एक सिंगल मैच जीता है, एक मैच नो रिजल्ट, 4 मैच हार के बिल्कुल नीचे लगी हुई है। बात करें अगर यहाँ पर भाई जमाइका थलावाज की, तो नंबर 3 पर है, 8 मैच में से 4 मैच जीते, 4 मैच हार के आ रहे हैं। अब अगर भाई यहाँ पर बात करें दोनों टीम्स के लास्ट मैचेस की, तो वो भी आपको दिखाने जरूरी है। वो क्यों दिखाने जरूरी है, क्योंकि यहां से आपके लिए थोड़ा सा फर्क पड़ेगा भाई बैटिंग ऑर्डर में। गुआना अमेजन वॉरियर्स लास्ट मैच बहुत ही गंदे तरीके से हार के आ रही है, ठीक है। पॉल स्टिरलिंग ओपनिंग कर रहे हैं चंद्रपॉल हेमराज के साथ, कीमो पॉल 1 डाउन भेजा गया, हेटमायर को 2 डाउन भेजा गया, क्लासन को 3 डाउन। यहां पर देखिए बैटिंग ऑर्डर भाई इतना गंदा है, इनका कभी भी किसी को भी ऊपर नीचे कर देते हैं। तो भाई देखिए इनके बारे में ज्यादा कुछ बात नहीं करें, क्योंकि भाई ये अपने हिसाब से नहीं चलेगा। हाँ, मॉर्निंग में जो भी ऑफिशियल बैटिंग ऑर्डर आएगा वो मैं आपके साथ जरूर शेयर कर दूंगा, वो भी आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और यार एक बात और, वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हो, देखिए वीडियो को लाइक किया कीजिए, क्योंकि आपका एक एक लाइक बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है आपके लिए और ज्यादा मेहनत करके अच्छी अच्छी वीडियोज बनाने के। भाई लाइक करने के पैसे नहीं लगते, ना ही ऐसा है कि आप लाइक करते हो तो मेरी जेब में कोई पैसा आ रहा है, नहीं आता भाई, एक पैसा नहीं आता। अगर आपने यूट्यूब के बारे में आपको पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, लाइक वगैरह के, लाइक कॉमेंट शेयर के कोई पैसे नहीं देते। बट मैं क्यों बोलता हूँ लाइक करने के लिए, क्योंकि भाई एक बॉन्डिंग बनी रहती है अपने बीच में, तो इसीलिए बोल रहा हूँ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। वही अगर बात करें भाई यहाँ पर आगे अगर बैटिंग की बात करें, तो हेनरिक क्लासन यहाँ पर नंबर 5 पर आ रहे हैं। अब देखिए हेनरिक क्लासन कभी 1 डाउन आ रहा है, ठीक है, कभी कीमो पॉल नंबर 7-8 पर आ रहा है, कभी एटमायर नंबर मतलब 1 डाउन आ रहा है, कभी नंबर 5 पर आ रहा है, 6 पर आ रहा है, और यहाँ पर नंबर 4 पर है। तो भाई बहुत ज़्यादा अनसर्टिनिटी यहाँ पर। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अगर ये पहले बॉलिंग करते हैं तो 2 प्लेयर जो आपके लिए मस्ट पिक रहेंगे, प्लस आप कीमो पॉल को इसमें ऐड कर सकते हो, तो 3 प्लेयर आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप जरूर ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर बात करें भाई यहाँ पर इमरान ताहिर सेकेंड इनिंग में बेहतरीन रहेगा, शमसी फर्स्ट इनिंग प्लस सेकंड इनिंग दोनों इनिंग में इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि शमसी की बॉल भाई बहुत ज्यादा स्किड करती है, तो भाई ये कहीं पे भी किसी को भी प्रॉब्लम में डाल सकता है। इनकी गेंदबाजी की बात करें तो यहां पर भाई आप देख सकते हो 3 ओवर में भाई 3 विकेट निकाले चंद्रपॉल हेमराज ने। हर मैच में ये नहीं होगा भाई इनसे, क्योंकि भाई ये मोस्टली मतलब एक बैटिंग ऑलराउंडर है, और इसको भाई इतने ज्यादा ओवर हर मैच में नहीं दिए जाएंगे। जूनियर सिंसलेयर की बात करें 4 ओवर में 2 विकेट निकाले, लेकिन ये पिच अलग थी, ये चीज ध्यान रखिएगा। वहीं अगर बात करें ताहिर की, तो 3 ओवर में 1 विकेट
विकेट निकाला। तबरेज शमसी 3 ओवर में विकेटलेस गए। इसके अलावा कीमो पोल भी यहाँ से विकेटलेस गए थे। अब अगर भाई यहाँ पर बात करें जमैका थालावास की, तो जमैका थालावास भी अपना लास्ट मैच हार के आ रहे हैं अगेंस्ट त्रिनबागो नाइट राइडर्स। तो यहाँ पर अगर बात करें, पहले इन्होंने बैटिंग की थी, यहाँ पर भाई ब्रेंडन किंग के साथ आमिर जांगू ओपनिंग करने आए, दोनों बुरी तरीके से फ्लॉप रहे। शामरा ब्रुक्स ने 20 रन बनाए। इसके अलावा रोमन पॉल जल्दी आउट हो गए, रिमन रेफर जल्दी आउट हो गए। नीचे अगर आप आओगे तो इमाद वसीम जल्दी आउट हो गए। फैबियन एलन ने भाई मतलब फैबुलस नोक खेली थी, यहाँ पर 35 बॉल पर 50 रन इन्होंने बनाए। इसके अलावा किसी ने कुछ खास किया नहीं। आ जाते हैं भाई इनकी गेंदबाजी पर, तो गेंदबाजी में भाई यहाँ पर मोहम्मद आमिर 4 ओवर में 1 मेडन ओवर 2 विकेट। क्रिस ग्रीन की बात करें 2 ओवर में 1 विकेट। इमाद वसीम 4 ओवर में 1 विकेट। मिगल प्रिटोरियस 4 ओवर में 1 विकेट। निकोलस गोर्डन विकेटलेस गया था। इसके अलावा फैबियन एलन 4 ओवर डाल रहा है और भाई विकेट भी निकाले। अब यहाँ पर स्टार्टिंग में बॉलिंग नहीं कर रहा था, लेकिन अब ये बॉलिंग कर रहा है तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। वहीं अगर बात करें भाई एक जो इनके साथ रिस्क रहेगा, क्योंकि भाई पिच नहीं है, तो हो सकता है भाई यहाँ पर इनके कप्तान रोमन पॉल शायद इनके ऊपर इतना ट्रस्ट ना दिखाए और इनको शायद बॉलिंग ना दे, तो ये चीज़ हो सकती है। वहीं अगर बात करें भाई यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, तो वो भी आपको बता देता हूँ। देखिए वीडियो को लाइक करना तो है ही है इंपॉर्टेंट, साथ ही साथ अगर चैनल पर पहली बार आए ना तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी मेरी फाइनल टीम रहेगी ना वो आपको भाई टेलीग्राम चैनल पर तो मिलेगी, लेकिन उससे पहले जो फाइनल टीम से पहले जो प्रिडिक्शन होती है, जैसे अभी ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, तो ये सारी आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेंगी। तो भाई यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, एकदम एक पैसा नहीं लगेगा आपका और ना ही टाइम वेस्ट होगा। आप वीडियो देखते देखते नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, दबा दीजिए भाई, 10,000 के काफ़ी करीब हम जल्दी से भाई 10K की फैमिली हमारी कंप्लीट करवा दीजिए। अब अगर बात करें भाई यहाँ पर विकेट कीपिंग सेक्शन में, तो अभी के लिए भाई एनरिच क्लासन को ही मैं ट्राई करूंगा। हाँ, अगर जमैका थालावास सेकंड इनिंग में बैटिंग करती है तो भाई यहाँ से मैं आमिर जांगू के साथ जाऊँगा। केनार लेविस खेल नहीं रहा, इंजर्ड है, बाहर है, अगर खेलता है तो देखेंगे। शाही ओप भी भाई आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, खेल भी नहीं रहा, बाहर है। रहमतुल्ला गुरबाज अगर खेलता है, रहमानुल्ला गुरबाज, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेगा। बात करें अगर यहाँ पर भाई बैटिंग सेक्शन की, तो हेटमायर को मैं अभी के लिए ट्राई करूंगा, रोमन पोल को मैं ट्राई करूंगा, इसके लिए रिमन रेफर को आप ट्राई कर सकते हो, बट अभी के लिए मैं ब्रेंडन किंग के साथ जाऊंगा। वहीं अगर बात करें तो चंद्रपोल हेमराज को आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो ये 4 प्लेयर मैंने अभी के लिए ट्राई किया। बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन की, इमाद वसीम, ओडन स्मिथ, रोमारियो शेफर्ड तीनों इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब यहाँ पर भाई फैबियन एलन का नाम आप ऐड कर सकते हो, कीमो पोल का नाम आप ऐड कर सकते हो, ये आपके लिए बड़ी डिफरेंशियल पिक रहेंगे, आप अगर चाहो तो ट्राई कर सकते हो। और यहाँ से हो सकता है भाई फाइनल टीम में कुछ बड़े चेंजेस देखने को मिले, क्योंकि टॉस का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। बात करें अगर बॉलिंग डिपार्टमेंट की, तो भाई मोहम्मद आमिर और तबरेज शमसी को अभी के लिए ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा भाई यहाँ पर अगर बात करें तो नीचे आके भाई देखिए, अगर यहाँ पर जमैका पहले बॉलिंग करते हैं तो भाई यहाँ पर देखिए क्लियर सी बात है, मैं पहले बॉलिंग अगर जमैका करेगी तो भाई यहाँ पर मैं मिगेल प्रिटोरियस के ऊपर भरोसा दिखाऊंगा। अगर जमैका पहले बैटिंग कर जाती है तो भाई क्रिस ग्रीन के ऊपर भरोसा दिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी के लिए मैं क्रिस ग्रीन को लेकर चल रहा हूँ। सीवीसी की यहाँ से एक बार बात कर लेते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। देखिए कैप्टन जो मेरी टीम के रहेंगे ना, वो यहाँ से भाई अभी के लिए तो मैं कैप्टनसी दे रहा हूँ किसको, भाई वीसी बता देता हूँ पहले। वीसी में चंद्रपोल हेमराज के साथ जाऊँगा, नो डाउट, क्योंकि भाई बॉलिंग में भी चांसेस है, प्लस बैटिंग तो करेगा ही करेगा टॉप ऑर्डर में। और कैप्टनसी की बात करें तो भाई अगर यहाँ पर जमैका पहले बॉलिंग करते हैं तो भाई मोहम्मद आमिर आपके लिए बेहतरीन कैप्टनसी का ऑप्शन रहेगा। अगर गोहाना अमेजन वॉरियर्स पहले बॉलिंग करते हैं तो भाई यहाँ पर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ कौन रहेंगे आपके लिए कैप्टनसी में। रोमारियो शेफर्ड इंपॉर्टेंट रहेंगे या फिर भाई ओडन स्मिथ, बट इनके ओवर भाई कट हो जाते हैं, तो भाई इसके बारे में ना तो मैं प्रिडिक्शन कर सकता हूँ ना ही आप कर सकते हो, तो भाई ये थोड़ी सी चीज़ हमें मैनेज करके चलनी पड़ेगी। बाकी जो भी हमारी फाइनल टीम रहेगी प्लस फाइनल सीवीसी, वो आपको पता लगेंगे टेलीग्राम चैनल पर, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी के लिए आप इस टीम को सेव करके कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो। मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे मैच टाइम पर टेलीग्राम चैनल पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।